मेट्रो निर्माण में अब तेजी आएगी। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 5,509 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया है। दिल्ली में बुधवार को एमओयू पर जायका केंद्र और बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। बिहार का प्रतिनिधित्व नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव सह पीएमआरसी के प्रबंध निदेशक अरुणेश चावला ने किया। जायका ने पीएमआरसी को पहले चरण में निर्माण और मेट्रो के कोच पटरी सहित अन्य सामान की खरीद के लिए 5,158 करोड़ का ऋण मंजूर किया है। वहीं कंसल्टेंसी के लिए 391 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। जायका ने 5,158 करोड़ का कर्ज 1.7% और 391 करोड़ का कर्ज 0.01% के ब्याज पर दिया है। समझौते के तहत पीएमआरसी को आज की तारीख से 10 वर्ष बाद कर्ज चुकाना शुरू करना होगा। वर्ष 2033 से प्रत्येक वर्ष 2 किस्तों में राशि का भुगतान होगा। ऋण चुकता करने में पीएमआरसी को वर्ष 2053 तक का वक्त लगेगा। जायका से इसके अलावा भी पीएमआरसी को ऋण मिलेगा। दूसरे चरण में पटना मेट्रो के लिए 1,481 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले जायका पटना मेट्रो के प्राकलन का अध्ययन करेगी। आपको ये भी बता दें कि मेट्रो के दोनों कॉरिडोर में 32.49 किलोमीटर स्ट्रेच, 24 स्टेशन और एक डिपो का निर्माण होना है। जायका के फंड से बनने वाले 6 भूमिगत स्टेशनों व स्ट्रेच को छोड़ सभी जगहों पर कार्य प्रारंभ है। भूमिगत स्टेशन जंक्शन, विकास भवन, विद्युत भवन, चिड़ियाघर, राजा बाजार और रुकनपुरा में बनेंगे। एमओयू होने से इसके निर्माण में गति आएगी। आपको यह भी बता दें कि जायका से फंड नहीं मिलने के कारण कई जगहों पर पटना मेट्रो का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, लेकिन अब इसमें काफ़ी तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। पटना मेट्रो जंक्शन इंटरचेंज स्टेशन होने के कारण सबसे बड़ा 3 तल का होगा। सबसे अधिक राशि इसी स्टेशन के निर्माण पर खर्च होगी। आपको ये भी बता दें कि पटना मेट्रो के स्टेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जायका से मिलने वाली राशि खर्च की जाएगी। बता दें कि पटना मेट्रो के निर्माण पर 13,925.5 करोड़ खर्च होना है। इसमें से जायका के 60% राशि कर्ज के रूप में मिलनी है। इस राशि का इस्तेमाल 6 भूमिगत स्टेशनों, इन स्टेशनों को जोड़ने के लिए बनने वाले लगभग 6.5 किलोमीटर स्ट्रेच का निर्माण भी शामिल है। तो वहीं अब राजधानी पटना में मेट्रो के कार्य को अब तेजी मिलने वाली है।